डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन टू, ए ट्रू बॉय। ट्रू बॉय मीन्स सच्चा बालक, एक सच्चे बालक के बारे में आपको जो है लेसन है, इसका मैं आपको हिंदी अनुवाद कराऊंगा। देयर वाज राजन, ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड। देयर वाज राजन, राजन था, ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड। ही माने बाज माने था, 10 माने 10 साल का, ईयर्स ओल्ड वह 10 साल का था। हिज फादर हैड डाइड, हिज फादर मीन्स उसके पिता, हैड डाइड माने मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। बहन ही वाज वेरी यंग, जब वह बहुत छोटा था। ही एंड हिज फादर, वह और उसके पिता बर ओनली मेम्बर्स। ही एंड हिज मदर, यहाँ आएगा मदर, वह और उसकी माता बर द ओनली मेम्बर्स इन द फैमिली। वह और उसकी माता उसके परिवार में दो सदस्य थे। द बॉय वाज वेरी ओबीडेंट, जो लड़का था वाज वेरी ओबीडेंट, ओबीडेंट माने आज्ञाकारी, वह लड़का बहुत आज्ञाकारी था। टू हिज मदर, अपनी माता का, वह अपनी माता का बहुत आज्ञाकारी था, मतलब अपनी माता का वो कहना मानता था। वन डे राजन रिक्वेस्टेड, वन डे मीन्स एक दिन, राजन रिक्वेस्टेड, राजन ने रिक्वेस्ट माने प्रार्थना की हिज मदर अपनी माता से, टू अलाउ हिम टू अर्न हिज लिवलीहुड, कि वह आज्ञा दे टू अर्न हिज लिवलीहुड। लिवलीहुड कहते हैं जीविका, कि वह उसे उसकी जीविका कमाने के लिए वह उसकी उसे आज्ञा प्रदान करें। एट फर्स्ट द मदर, पहले उसकी माता ने डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं किया कि वह उसे कहीं जाने के लिए, उसे कुछ कमाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। द आइडिया, एट फर्स्ट द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया, पहले उसकी माता ने उसके इस विचार को पसंद नहीं किया। बट लेटर सी अलाउड हिम, किंतु लेटर मीन्स बाद में, सी अलाउड हिम उसने उसे आज्ञा प्रदान कर दी कि वह भी कहीं जाए और अपनी जीविका अपनी रोजी रोटी कमा कर लाए। सी गेव हिम 40 गोल्ड कॉइंस, सी मीन्स उसने, गेव माने दी, हिम माने उसे, 40 माने 40, गोल्ड कॉइंस माने सोने के सिक्के, उसकी माता ने उसे 40 सोने के सिक्के दिए। एंड लेट हिम गो, और उसे विद ए ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कहते हैं व्यापारी, और व्यापारियों के समूह में जाने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। राजन स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी, राजन ने स्टार्टिंग माने आरंभ की, ऑन हिज जर्नी माने अपनी यात्रा, विद द ग्रुप, राजन ने अपनी यात्रा जो व्यापारियों का समूह था उसमें प्रारंभ की। व्हाइल द ग्रुप वाज पासिंग थ्रू ए डिजर्ट, व्हाइल माने जबकि, द ग्रुप माने समूह, वाज पासिंग माने गुजर रहा था, ए डिजर्ट कहते हैं मरुस्थल, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रेत होती है उसको क्या कहते हैं हम, डेजर्ट कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। तो जब वह ग्रुप जो व्यापारियों का ग्रुप था एक मरुस्थल से गुजर रहा था, ए बैंड ऑफ डकैट्स, बैंड माने समूह, ऑफ डकैट्स माने जो डाकुओं का जो समूह था, अटैक्ड द ग्रुप, उसने जो है उनके जो व्यापारियों का ग्रुप था उस पर आक्रमण कर दिया। एंड दे बिगेन टू लूट, और उन्होंने लूट माने लूटपाट करनी शुरू कर दी। द ट्रेवलर्स, जो यात्री थे, जो व्यापारी थे, उनसे उन्होंने लूटपाट करनी शुरू कर दी। वन ऑफ द रोबर्स, डाकुओं में से एक ने सामने से देखा ए लिटिल बॉय, डाकुओं में से एक डाकू ने उस छोटे बच्चे को देखा, स्टैंडिंग एसाइड, जो कि खड़ा हुआ था। ही बैंड टू हिम, वह उसके पास गया, कौन गया, डाकू, वह डाकू उसके पास गया। एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, हैव यू एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ धन है। द राजन रिप्लाइड, राजन ने उत्तर दिया,
यस हाँ, आई हैव 40 गोल्ड कॉइंस, मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं। रेड द रोवर सर्च फॉर द कॉइंस, जो रोवर था, जो डाकू था, उसने सर्च माने खोज की, फॉर द कॉइंस, उसके सिक्कों की। बट कुड नॉट फाइंड, बट कुड नॉट फाइंड देम, किंतु कुड नॉट फाइंड देम, वह उन्हें नहीं खोज सका। डाकू ने सिक्कों की खोज की परंतु वह नहीं खोज सका। देन ही टुक हिम टू हिज चीफ, देन माने तब, ही टुक माने वह ले गया, हिम माने उसे, टू हिज चीफ माने अपने मुखिया के पास, जो डाकू का सरदार था उसके पास ले गया। द रोबर सेड टू, डाकू ने सेड टू हिज चीफ, डाकू ने अपने चीफ माने सरदार से कहा, दिस बॉय सेज, यह लड़का कहता है, डैट ही हैज 40 गोल्ड कॉइंस, कि उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं। सो आई सर, इसलिए मैंने सर्च माने खोज की, फॉर देम, आई सर्च फॉर देम, मैंने इसके पास सिक्के ढूंढे, बट आई फाउंड नथिंग, किंतु मुझे नहीं मिले। द चीफ आस्क, मुखिया ने, सरदार ने आस्क माने पूछा, द बॉय लड़के से, सरदार ने लड़के से पूछा, वेयर इज द मनी, धन कहाँ है। द बॉय टोर ऑफ, लड़के ने टोर ऑफ माने फाड़ी हिज जैकेट, माने अपनी जैकेट, लड़के ने अपनी जैकेट, जो उसकी जैकेट थी जहाँ सिक्के थे, वह टोर मीन्स फाड़ी। एंड सो द गोल्ड कॉइंस, और उसने सोने के सिक्के निकाल कर दिखाए। एट दिस, इस पर द चीफ सेड टू द बॉय, सरदार ने लड़के से कहा, व्हाई हैव यू टोल्ड अस, आपने हमें क्यों बताया, अबाउट द गोल्ड कॉइंस, आपने हमें सोने के सिक्कों के बारे में क्यों बताया। व्हेन द कॉइंस वर सेफ, जबकि आपके जो सिक्के थे वो सुरक्षित थे, कि जो सर जो डाकू था वो भी उसके सिक्के नहीं ढूंढ पाया, तो सरदार ने जो है उससे पूछा कि आपने हमें सिक्कों के बारे में क्यों बताया, जबकि आपके जो सिक्के थे वो जैकेट के अंदर सुरक्षित थे, उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया था। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, व्हेन आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माई ट्रिप, व्हेन, जब मैंने अबाउट टू स्टार्ट माई ट्रिप, अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, माई मदर एडवाइज्ड, मेरी माता ने एडवाइज माने सलाह दी, मी टू स्पीक, मेरी माता ने सलाह दी कि टू स्पीक द ट्रूथ, कि सत्य बोलना। सो हाउ कुड आई टेल लाई, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। हियरिंग दिस, यह सुनकर द चीफ वाज मच इम्प्रेस्ड, जो सरदार था वो बहुत इम्प्रेस्ड माने प्रभावित हुआ, वाई द ट्रूथफुलनेस, उसकी सच्चाई से, ऑफ द बॉय, लड़के की सच्चाई से, सरदार यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, बींग ए बॉय, कि यह लड़का, यह बच्चा होकर भी, ही इज वेरी ओबीडियंट, यह बहुत आज्ञाकारी है, टू हिज मदर, अपनी माता का, बट वी बींग एडल्ट, किंतु हम युवा हैं, हम बड़े हैं, डू नॉट केयर अबाउट ट्रूथफुलनेस, फिर भी हम जो है सच्चाई की जो है परवाह नहीं करते हैं। देयरफॉर द चीफ डिसाइडेड, देयरफॉर इसलिए, द चीफ सरदार ने डिसाइडेड माने निश्चय किया, एट वंस माने तुरंत, नॉट टू रोब, मतलब वो सरदार ने जो है तुरंत निर्णय किया कि वह अब चोरी या डकैती नहीं करेगा। अदर्स इन फ्यूचर, अपने भविष्य में, बच्चे की बात को सुनकर सरदार ने तुरंत निर्णय किया कि वह आगे अब चोरी या डकैती नहीं करेंगे। ही रिटर्न ऑल द लूटेड मनी, ही माने उसने, रिटर्न माने लौटा दिया, ऑल द लूटेड माने ऑल माने सब, लूटेड माने लूटा हुआ, मनी माने धन, टू द ट्रेवलर्स, उसने यात्रियों का लूटा हुआ सभी धन लौटा दिया। एंड सेट देम फ्री, और उन्हें स्वतंत्र कर दिया, उन्हें छोड़ दिया। दस राजन,
इस प्रकार राजन सेव्ड नॉट ओनली हिमसेल्फ, इस प्रकार राजन ने केवल अपने को ही नहीं बचाया, बट आल्सो द अदर ट्रेवलर्स, उसने जो दूसरे जो यात्री थे उसके साथ के जो व्यापारी थे उन सबको भी उसने बचा लिया। ही आल्सो मूव्ड द हार्ट ऑफ द चीफ ऑफ द डकैट्स, उसने जो डकैट्स थे, जो डाकू थे, उनके हृदय को बदल दिया। वो जो है उन्होंने क्या निर्णय किया कि भाई आप सच बोलेंगे और कभी भी चोरी नहीं करेंगे। सो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसलिए इस लेसन से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य के कारण ही जो बच्चा था उसने जो है उस डाकू का सरदार था उसके हृदय को बदल दिया और जितना भी लूटा हुआ धन था उसने वापिस कर दिया। तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अब मैंने ये आपको लेसन पढ़ाया, इसकी जो क्वेश्चन आंसर है, जो एक्सरसाइज की जो पीडीएफ है, वो आपको जो है इसके बाद भेज दी जाएगी।